हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। आज हमको करना है कॉस्टिंग थ्योरी। काफ़ी दिनों से आप लोगों को इंतज़ार होगा। मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया था कि थ्योरी पार्ट विल डू बाय वीडियोस, ठीक है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि थ्योरी करना सच में ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, सीए इंटर की एग्जामिनेशन कॉस्टिंग पेपर नंबर 3 में थ्योरी आता है 16 मार्क्स का, ठीक है ना। देर विल बी वन क्वेश्चन विच विल बी ऑफ 16 मार्क्स। उसके मल्टीपल सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, मे बी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, चार चार नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। और दो 4 क्वेश्चन उसमें जो थ्योरी होगी वो किसी भी चैप्टर से पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, 16 मार्क्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऑप्शनल में आ जाए, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक रिस्क, राइट। और ऑप्शनल में आ भी जाता है, हो सकता है किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कंपेरिजन में आपको थ्योरी अच्छे से बन रही हो, तो सो वी शुड नॉट लीव दिस पार्ट। बट हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि ये इतना भी असेंशियल नहीं है जितना प्रैक्टिकल है, बिकॉज प्रैक्टिकल 84 मार्क्स का है, और अगर ऑप्शनल को छोड़ दूँ तो 100 मार्क्स भी प्रैक्टिकल से लाए जा सकते हैं। लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना कम से कम टाइम दें, लेकिन रेलेवेंट टाइम दें। मतलब मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको समझ लिया, वीडियो देख लिया, 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, दैट्स इट। उसके बाद आपका कंप्लीट है, आपको अलग से एफर्ट उसमें ना डालना पड़े। इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए, ठीक है। तो हम थ्योरी के वीडियोस लाइन बाय लाइन करेंगे और हमारी अप्रोच क्या रहेगी ये समझते हैं। देखो, थ्योरी का वीडियोस जब हम बना रहे हैं तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल में जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस दिए वो हम पढ़ लें। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये आती है, स्टडी मटेरियल में जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनके जो पीछे आंसर्स दिए हुए हैं वो पूरे आंसर्स नहीं है, उसमें सिर्फ रेफर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में। लेकिन उस पैराग्राफ में जाके क्या मुझे उस पूरे पैराग्राफ को लिखना है या फिर नहीं लिखना है, ये सारे सवालों का आंसर कौन देगा? तो वही मदद मैं आपकी करने आया हूँ। सो व्हाट वी विल डू, वन बाय वन एक चैप्टर लेंगे और हर चैप्टर के जो थ्योरी क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है उसके सॉल्यूशन समझेंगे, मार्क करते जाएंगे। सो आपको अभी स्टडी मटेरियल हैंडी होनी चाहिए, है ना। स्टडी मटेरियल आप लोग निकाल लो और जो भी मैं पेज नंबर बोलते जा रहा हूँ और जहाँ पे अंडरलाइनिंग करवा रहा हूँ वो आपको अंडरलाइनिंग करते जाना है या टिक करते जाना है कि ये आंसर रेलेवेंट है, बचा हुआ पार्ट हम लोग क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जो हमारा पहला चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग, अगर आप पेज नंबर 2.60 में आते हैं तो 2.60 में आप देखोगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कुछ पेजेस नीचे आके जब आप पेज नंबर 2.64 में आएंगे तो आपको आंसर्स दिखेंगे। लेकिन देखो, आंसर फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है, प्लीज रेफर पैराग्राफ 2.10, प्लीज रेफर पैराग्राफ 2.5, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो सर, हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो मैंने इसको आसान करने के लिए क्या किया है, मैंने वन बाय वन क्वेश्चंस लिए हैं और उसके नीचे उसके आंसर भी लिखे हैं, और आंसर मैंने राइट डाउन नहीं कर दिया, मैंने नोट्स नहीं बनाया, आपको स्टडी मटेरियल में से ही पढ़ना है। लेकिन स्टडी मटेरियल का वो पेज लिया है और मैं हम लोग पढ़ते पढ़ते डिसाइड करेंगे कि हमको कितना एग्जाम में इसमें से लिखना है, ठीक है ना। तो आपकी स्टडी मटेरियल हमेशा साथ में रहनी चाहिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा पेज नंबर आपको साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो गुड। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग, है ना। तो हमारा टॉपिक हो गया मटेरियल कॉस्टिंग, दिस इज वीडियो 1। ऐसे हमारे मल्टीपल वीडियोस रहेंगे, आज जो हमको कवर करना है वो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग। सर, चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इज ऑलरेडी थ्योरी और उसका वीडियोज ऑलरेडी डाला हुआ है, पूरे पूरे चैप्टर मैंने अपने नोट्स भी दिए उसमें और इंटायर थ्योरी मैंने पढ़ाई है। तो वो बेसिक्स थ्योरी है, वो आपको ऑलरेडी करनी है ना, वो भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बट ये जो है, अब जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी है, ठीक है ना। तो उसमें पहला रहेगा हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। चलिए आ जाते हैं हम लोग। तो मैंने जो आपको बताया था कि मैंने क्वेश्चन वाइज एक एक चीजें कवर करी। देखो, सबसे पहला, अगर आप स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग के पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर कौन सा है, यस, पेज नंबर आपका होगा 2.60, इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे स्नैपशॉट लेके वहाँ पे ऐड कर दिया है, है ना। सो पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज आर ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बोल रहा है कि मटेरियल में जो लॉस होता है, लॉस ऑफ मटेरियल जो कि स्टोरेज के समय होता है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ स्टोरेज की बात कर रहा है। लॉस ऑफ मटेरियल तो स्टोरेज के समय भी होता है, हैंडलिंग के समय भी होता है, प्रोसेसिंग के समय भी होता है, अलग अलग टाइप पे होता है। लेकिन हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है अभी, सर, सिर्फ स्टोरेज के समय क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या लॉस होता है मटेरियल का, पहले तो वो बताइए, दूसरी बात ये बताइए कि उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग
जो उन्होंने पैराग्राफ रेफर करने को बोला है वो 2.10 था, जो कि पेज नंबर 2.51 में। तो आप लोग स्टडी मटेरियल में सबसे पहले पेज नंबर 2.51 में आ जाइए। नाउ लॉस ऑफ मटेरियल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल। पहला होता है वेस्ट, देन स्क्रैप, देन स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, ऑब्सोलेंस। लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है? सर वेस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन में भी हो सकता है, वेस्ट जो होता है वो स्टोरेज में भी हो सकता है। तो वेस्टेज भी हमारे लिए रेलेवेंट हो गया। यस सर, क्योंकि ये स्टोरेज के टाइम में होता है। स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है जो किसी काम का नहीं होता, तो ये तो सर स्टोरेज के टाइम का लॉस नहीं कहलाया, ये तो प्रोडक्शन के टाइम का लॉस कहलाया। स्पॉइलेज भी प्रोडक्शन के टाइम का लॉस कहलाया। डिफेक्टिव जो यूनिट्स बन जाती हैं वो भी प्रोडक्शन के बाद होता है। फिर आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब कोई चीज़ पुरानी हो जानी, आउटडेटेड हो जानी। सर ये तो हमारा स्टोरेज में रखे रखे भी आउटडेट हो जाता है ना मटेरियल, तभी ऑब्सोलेंस लगता है। तो आपके लिए दो चीज़ें रेलेवेंट है, पहला वेस्टेज और दूसरा ऑब्सोलेंस। तो हम वेस्टेज और ऑब्सोलेंस को बस आंसर में लिखेंगे। देखो ना, आपको स्टडी मटेरियल में ये रेफर कर दिया कि पेज नंबर या पैराग्राफ 2.10, बट यू डोंट नो कि उसमें से कितना लिखना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला है वेस्टेज, द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के समय जो लॉस हो जाता है, और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी लॉस हो सकता है, एंड डिस्कार्डेड, और जिसे अब फेंक दिया जाता है कि भाई इसको रीयूज नहीं कर सकते। डिस्कार्ड मतलब अब उससे कुछ और नहीं किया जा सकता। इट मे और मे नॉट हैव सम वैल्यू। तो जनरली वेस्टेज का कोई वैल्यू नहीं होता। स्क्रैप तो फिर भी बिक जाता है, इसलिए स्क्रैप वैल्यू करके टर्म होती है। वेस्टेज का जनरली वैल्यू नहीं होता, होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है। अब दूसरी बात आती है सर, इसे ट्रीट कैसे करेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज। सो ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट इज एब्जॉर्ब बाय गुड प्रोडक्शन यूनिट। जो नॉर्मल वेस्ट है हमारा, उसकी जो कॉस्ट है वो गुड प्रोडक्शन यूनिट से एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेस्टेज वैसे भी होता है, नॉर्मली होता है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो वेस्टेज की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो दूसरी जो प्रॉपर यूनिट्स बनी है उनकी कॉस्ट को बढ़ा के एब्जॉर्ब की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बाय गुड यूनिट्स। तो अगर ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ी होगी, हमने जो पेट्रोल वाला एग्जाम्पल लिया था कि जब मैं पेट्रोल लेके आता हूँ, इवापोरेशन होता है, वेस्टेज हो जाता है, तो मैं जो जितना लीटर मुझे प्राप्त होता है उसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, कॉस्टिंग बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सर यही चीज़ अगर एबनॉर्मल हो जाए, तो यही चीज अगर एबनॉर्मल होती है तब क्या ट्रीटमेंट होगा? इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। सर ये तो हमारा फिक्स ही है, कोई भी चीज एबनॉर्मल होती है तो हम लोग सीधे उसकी कॉस्ट कहाँ डाल देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट? सर ये हो गया वेस्टेज पार्ट। अब हमको स्क्रैप को लिखना है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर, तो हम स्क्रैप नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ये भी रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद अगली बात आती है स्टोरेज की, स्पॉइलेज की। स्पॉइलेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। हम सीधे चले जाते हैं ऑब्सोलेंस में। तो ये पूरा आपका, ये भी कोई काम का नहीं है। सीधे जो आपके लिए काम का है वो है अगला टर्म, विच इज ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। दिस इज ऑब्सोलेंस। अब ऑब्सोलेंस में क्या बताया गया? ऑब्सोलेंस इज डिफाइंड एज द लॉस इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू इट्स सुपरसेशन। देखिए ये बहुत टेक्निकल मीनिंग है, इस टेक्निकल मीनिंग में नहीं जाते हम लोग, ठीक है ना। हम लोग समझते हैं ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है। ऑब्सोलेंस का मतलब किसी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो जाना। क्यों? क्योंकि वो शायद आउटडेटेड हो गया है, पहला रीजन। या तो हो सकता है जिस फिनिश्ड गुड्स के लिए उसको हम यूज करते थे वो फिनिश्ड गुड्स अब बनता ही नहीं क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया, या फिर जिस मशीन में इस मटेरियल को डाला जाता था वो मशीन ही बंद हो गई, या फिर इस मटेरियल की जगह कोई और सस्ता रिप्लेसमेंट मिल गया है जिसकी वजह से अब इस मटेरियल की वैल्यू नहीं रह गई है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ऑब्सोलेंस। नाउ क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले ट्रीटमेंट समझने से पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि सर मटेरियल में बिकम ऑब्सोलेट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन सी स्थितियों में मटेरियल जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, पुराना हो जाता है? पहली चीज, वेयर, सो फर्स्ट थिंग इज वेयर स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ मशीनरी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और दैट मशीनरी बिकम्स ऑब्सोलेट। हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जो या तो कोई स्पेयर पार्ट था या तो कोई कंपोनेंट था हमारी मशीनरी का, और अब वो मशीनरी ही हमारी ऑब्सोलीट हो गई। जब मशीन ही नहीं यूज होगी तो मशीन में लगने वाला टूल या कंपोनेंट कैसे यूज होगा? सेकंड, वेयर इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा था हमारा मटेरियल, जो प्रोडक्ट ही अब ऑब्सोलीट हो चुका है। थर्ड,
where material itself is replaced by another material due to either improved quality or falling price. उस material को ही हमने किसी दूसरे material, another material से replace कर दिया है, और वो जो another material है, शायद उसकी quality बहुत अच्छी है, या तो शायद उसका दाम बहुत कम है, fall in price, है ना? इसलिए अब जिस हम existing material की बात कर रहे हैं, material, suppose मैंने उसको material X माना, तो जो मेरा material X था, अब मैं उसे इसलिए use नहीं कर रहा, क्योंकि या तो Y की quality बहुत अच्छी आ गई है, या तो इसका जो price है, वो बहुत down है, quality बहुत up है, या price बहुत down, ये दो चीज़ें, ठीक है? Now, in all the three cases, अब treatment की बात आती है, in all the three cases, the value of obsolete material held in a stock is a total loss. What is meant by this? देख, इसका मतलब ये है कि obsolete तो एक rare condition है, normally तो कभी होती नहीं है, तो पूरे का पूरा जो इसकी वजह से loss हो रहा है, उसे loss ही मान लेंगे, और हम लोग इसे cost में add नहीं करेंगे, सीधे costing P&L में charge कर देंगे. The immediate steps should be taken to dispose it off at the best available price. Sir, जैसे ही हमारे पास कोई obsolete चीज हो जाती है ना, तो आप wait मत करो उसको यूज करने का, फटाफट उसे जैसा भी बिकता है बेच दो. क्योंकि अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में. कहां पर है क्वेश्चन नंबर टू? यस, सो क्वेश्चन नंबर टू आपसे बोलता है डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर. ये थोड़ा सा मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, बिन कार्ड स्टोर लेजर. देखिए, किसी भी स्टोर्स के अंदर जो सामान रखा होता है ना, या तो शेल्फ में रखा होता है, या तो फिर बिन्स में रखा होता है. बिन्स मतलब सिलेंडर्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, जैसे डस्ट का बिन होता है, डस्टबिन बोलते हैं उसे, वैसे मटेरियल का बिन को सिर्फ बिन बोलते हैं, ठीक है ना? तो बिन के साथ एक कार्ड अटैच होता है, उसे बिन कार्ड बोलते हैं, जहां पे हम उस प्रोडक्ट की कितना आया, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कितना अभी बैलेंस है, किस किस डेट को, वो एक कार्ड ही वहां अटैच करके रखते हैं, उसमें हम एंट्री करते जाते हैं. जैसे कोई आया मटेरियल, हमने उसमें से निकाला, तो हमने वहां एंट्री कर दी कि मैंने आज 2 kg मटेरियल इसमें से निकाल के इसको इशू किया. नाउ ये चीज तो थी सर जिसमें आप सिर्फ मटेरियल वाइज क्वांटिटेटिव डिटेल्स रखते थे बिन कार्ड में, लेकिन स्टोर लेजर एक ऐसा लेजर होता है जिसमें आप सारे सारे मटेरियल का इन आउट बैलेंस सब कुछ रखते हो, साथ ही साथ उनकी वैल्यूज भी रखते हो, मतलब क्वांटिटेटिव डिटेल्स एज वेल एज वैल्यू डिटेल्स, ठीक है? तो एक बार फटाफट पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, है ना? तो इसके लिए आप लोग आ जाइए सीधे पेज नंबर 2.16 में. आपके पास दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर. देखो, इतना ही पूछा है ना, उतना ही लिखेंगे, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस लिखेंगे. नाउ इट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर. सर, बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, स्टोर कीपर समझते हो ना, जो स्टोर्स में बैठा रहता है, स्टोर का मैनेजर. और स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. तो हु इज मेकर, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ. सेकंड, इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स. सर, इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल्स होती है, बट इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू. सो क्वांटिटी, वैल्यू, सारी चीजें इसमें होती है, क्लियर है? नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस. सर, बिन कार्ड की एंट्री क्या होती है? आपने उसमें से मटेरियल निकाला, उसी समय आपने एंट्री कर ली. व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, उसी समय एंट्री कर ली. लेकिन सर, जो स्टोर लेजर होता है, उसकी डिटेल्स हो सकता है एंड ऑफ द डे में, हो सकता है वीकली हम लोग पोस्टिंग करते हैं. सो इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, नॉट एट द सेम टाइम. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? नाउ ईच ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड. सर, यहाँ इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है. स्टोर लेजर में हो सकता है आप सीधे ग्रुप में पोस्ट कर दो, 10-15 ट्रांजेक्शन एक साथ समरी बना के, तो समराइज एंड देन पोस्टेड. तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की समरी बनती है, ट्रांजेक्शन में भी समराइज एंड देन पोस्टेड, क्लियर है? देन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपियर इन बिन कार्ड. देखो, बिन कार्ड को ये नहीं पता कि मटेरियल जा कहाँ रहा है, उसको सिर्फ ये पता है मटेरियल जा रहा है. तो उसमें हम देख नहीं पाएंगे कि ये भाई हमने किसी प्रोडक्शन वाले को इशू किया या फिर दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा है. तो इंटर डिपार्टमेंटल वाली चीजें इसमें अपीयर नहीं होंगी, लेकिन मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस. क्योंकि कॉस्टिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि किस जॉब की कॉस्ट है ये, इसलिए इंटर डिपार्टमेंटल चीजें भी अच्छे से ट्रीट होंगी. इज दिस क्लियर? चलो, वेरी गुड. इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव्स इन कॉस्ट अकाउंट. सर, कॉस्ट अकाउंटमेंट में, कॉस्ट अकाउंट्स में डिफेक्टिव्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? तो याद है हमने वेस्टेज के 5 तरीके पढ़े थे, उसमें एक था डिफेक्टिव. अब हमको सिर्फ डिफेक्टिव के बारे में सीधे पढ़ना है, ठीक है? तो डिफेक्टिव के बारे में क्या दिया है?
सर डिफेक्टिव विच कैन बी रीमेड एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड बाई यूजिंग मटेरियल आर नोन एज रीवर्क। पहली बात तो ये समझो डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है। डिफेक्टिव का मतलब वो यूनिट्स जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं बनी है। अब अगर डिफेक्टिव में कोई ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें कुछ काम करके वापस उसे अच्छी यूनिट बनाया जा सकता है सो इट इज नोन एज रीवर्क। ठीक है, रीवर्क में क्या क्या किया जाता है, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, रिफर्बिशिंग, मतलब कुछ ना कुछ नई चीजें करके उसको फिनिश गुड्स के बराबर बना दिया जाता है। डिफेक्टिव्स विच कैन नॉट बी ब्रॉट अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड, विच कैन नॉट बी ब्रॉट अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऐसे डिफेक्टिव्स जिन्हें हम वापस से क्वालिटी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा सकते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, रिजेक्ट्स। नाउ दीज रिजेक्ट्स में आइदर बी डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल। अगर रिसाइकलेबल है कि मैं वापस उसे मटेरियल में डाल सकता हूँ तो रिसाइकल करूंगा, और नहीं रिसाइकल कर सकता तो मैं उसे डिस्पोज कर दूंगा, फेंक दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा। राइट, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रीटमेंट इसका। तो हमें ये नहीं समझना था कि डिफेक्टिव क्या, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्या पूछा, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव, तो थोड़ी बहुत बात लिख सकते हो कि डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर आपको अल्टीमेट जो नंबर मिलेंगे वो इस चीज के लिए मिलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा डिफेक्टिव का। नाउ अगर वो नॉर्मल है, अगर होता ही है सर हमने 100 यूनिट बनाई जिसमें से 2 यूनिट हमारी डिफेक्टिव निकलती हैं, तो ये हो गया नॉर्मल डिफेक्टिव। द कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ डिफेक्टिव आर चार्ज टू मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी भी कोई चीज नॉर्मल होती है, कोई भी नॉर्मल लॉस होता है, तो उस लॉस की वजह से जो कॉस्ट लगती है वो अच्छी यूनिट्स में ऐड कर दी जाती है। यहां भी हमने वही किया, लेकिन बोल रहा है कि रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दो। अगर आपने डिफेक्टिव को वापस से फिनिश गुड्स नहीं बनाया तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ, लेकिन जो आपका सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिफेक्टिव था वो अगर बाहर बिक रहा है तो उसे बेचने से जो पैसा आ रहा है उस लॉस में से उस पैसे को माइनस कर दो। सो कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू, और ये जो नेट अमाउंट आएगा उसे हम लोग चार्ज करेंगे मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन में। ठीक है, नाउ अगर एबनॉर्मल है, मटेरियल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल डिफेक्टिव आर नॉट इंक्लूडेड, उसे इंक्लूड नहीं करना है मटेरियल कॉस्ट में, बट आर ट्रीटेड एज लॉस, उसे लॉस ही मान लिया जाएगा आफ्टर गिविंग क्रेडिट टू रियलाइजेबल वैल्यू। लॉस भी उतने अमाउंट को मानोगे जितना बेचने के बाद पैसा आया उसमें से माइनस करके जो नेट आता है। सपोज आपने, आपको जो लॉस हुआ वो 100 का था और आपको 10 रुपीज का वो सोल्ड हो गया, तो 90 का ही चीज या तो अगर नॉर्मल है तो कॉस्ट में ऐड होगा, और एबनॉर्मल है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो वैल्यू तो 90 का ही रहेगा। ठीक है, द मटेरियल कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल, तो सर ये तो हमको पता ही था, एबनॉर्मल है तो कहां जाना है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई हमारी ट्रीटमेंट की। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस एज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। हमने एबीसी एनालिसिस पढ़ा था अगर आपको ध्यान होगा, जिसमें हम लोग सारे जो हमारे यहाँ मटेरियल, मान लो हमारे 100 मटेरियल्स हैं, तो हम बोलते हैं उसमें से कुछ टॉप टॉप मटेरियल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, फिर उसको हमने ए कैटेगरी बोल दिया था। फिर बी कैटेगरी में हमने मीडियम वाले लिए थे जिनकी क्वांटिटी भी मीडियम होती है, जिनकी वैल्यूज भी मीडियम होती है, और सी कैटेगरी में हमने उनको लिया था जिनकी वैल्यू काफी कम है लेकिन क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो हमारा फोकस वहां होना चाहिए जहां पे नंबर्स कम हो लेकिन वैल्यू ज्यादा इन्वॉल्व हो। क्लियर, तो वही एबीसी एनालिसिस के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एबीसी। तो इसमें आप जितना अपने मन से चाहो लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग एक बार पढ़ते जाते हैं। दिस सिस्टम एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम। डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड का मतलब समझो, अलग अलग टाइप के आइटम्स को अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों सर, जो हाई वैल्यू है उनमें ज्यादा फोकस करेंगे, जो कम वैल्यू के उनको इग्नोर किया जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, किस बेसिस पे डिसाइड किया, कितना पैसा फंसा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। यूजुअली द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, और वो इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेनिशमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड, कि उसकी वैल्यू कितनी है और कितनी क्वांटिटी में उसे लिया जाता है, मतलब कितना ज्यादा यूज होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेनिशमेंट। नाउ ए कैटेगरी में क्या आता है, फर्स्ट इज ए कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल परसेंटेज, अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम हैंडल्ड बाय स्टोर। अगर मेरे पास 100 आइटम है तो उसमें से सिर्फ 10 ही आइटम ऐसे होंगे जो ए कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनमें पैसा बहुत लगा है, बट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, और कितना पैसा लगा है, पूरी इन्वेंट्री का 70% इसी में लगा हुआ है। तो ये जो 10-70 है ये याद रखना पड़ेगा, 10% क्वांटिटी वाइज आइटम है लेकिन उनमें वैल्यू 70% इन्वॉल्व है।
बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइजेस. ऐसा क्यों? क्योंकि हाई प्राइस है या फिर हैवी रिक्वायरमेंट या फिर दोनों चीजें. आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय यूजिंग अ रेगुलर सिस्टम व्हिच इंश्योर्स नाइदर ओवर स्टॉकिंग नॉर शॉर्टेज. अब ये क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा इन्वॉल्व है तो इनको ज्यादा स्टॉक में भी नहीं रख सकते वरना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. कम भी नहीं रख सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट आइटम है, प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर स्टॉक आउट हुआ. तो दोनों चीजें इसमें ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी. सच अ सिस्टम प्लान्स इट्स टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट बाय मेकिंग बजट. बाकी भले मटेरियल्स का बजट ना बनाओ, इन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का बजट बनाना बहुत जरूरी है. द स्टॉक ऑफ मटेरियल कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग सर्टेन लेवल्स. हमने जो मैक्सिमम मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल ये पढ़ा है, इन मटेरियल्स पे अच्छे से इन कंसेप्ट को लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप ए कैटेगरी वालों पे अच्छे से ध्यान रख पाओगे. सर क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं ए में, ज्यादा ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है ना. क्लियर? नाउ सेकेंड इज बी कैटेगरी. दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट. रिलेटिवली लेस है, वेरी लेस नहीं बोला. ए से कम इंपॉर्टेंस है लेकिन सी से ज्यादा है. दे मे बी 20% ऑफ टोटल आइटम, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 20%. तो 20% क्वांटिटी वाइज है, 20% वैल्यू भी इसमें इन्वॉल्व है. नाउ इन द केस ऑफ दीज आइटम्स एज द सम इन्वॉल्व इज मॉडरेट, क्योंकि पैसा कम लगा हुआ है, द सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल. इसमें भी आपको कंट्रोल उतना ही रखना है जितना ए कैटेगरी है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. मतलब जितना डिग्री ऑफ कंट्रोल हम ए में लगा रहे हैं उतना ज्यादा बी में लगाने की जरूरत नहीं, उससे थोड़ा कम चलेगा क्योंकि मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है. द ऑर्डर फॉर द आइटम मे बी प्लेस्ड आफ्टर रिव्यूइंग देयर सिचुएशन पीरियडिकली. जैसे हम लोग ए में तो हम डेली ध्यान देते हैं कि हमारा सारा मटेरियल अच्छे से चल रहा है कि नहीं, बी में पीरियडिकली रिव्यू कर सकते हो आप. सो रिव्यूइंग द सिचुएशन पीरियडिकली. फिर आता है सी कैटेगरी. सर सबसे कम इंपॉर्टेंट. दिस कैटेगरी ऑफ आइटम डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट. इट मे बी अबाउट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू. सर वैल्यू वाइज तो सिर्फ 10% ही इन्वॉल्व है, लेकिन इनकी क्वांटिटी 70% है. मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आइटम बहुत सारे हैं, लेकिन वैल्यू बहुत कम है. फॉर दिस कैटेगरी देर इज नो नीड ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टेंट कंट्रोल. कंट्रोल करना है, कंटिन्यूस की जरूरत नहीं. ऑर्डर फॉर दिस आइटम मे बी प्लेस्ड आइदर आफ्टर 6 months और 1 year. अभी क्योंकि वैल्यू इतनी कम है तो भाई बार बार ऑर्डर करने से मतलब नहीं है ना. वैल्यू कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत कम आएगी, तो चिंता की बात नहीं. ज्यादा बुलवा के भी रख लो तो प्रॉब्लम नहीं है. इन दिस केस ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमीज ऑन ऑर्डरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट. बोल रहा है हैंडलिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, उस हिसाब से अच्छे से रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लो, है ना. बाकी चीजें इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. क्वालिटी वालिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा ज्यादा फंसा नहीं है, ठीक है ना. तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन. अब आपसे इन्वेंट्री कंट्रोल का एक क्वेश्चन पूछ रहा है. डिस्टिंग्विश बिटवीन रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना. ध्यान करते हैं हम लोग. रीऑर्डर लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल मैंने आपको समझाया था, कब मैं ऑर्डर करूं, मेरा कितना बैलेंस हो जाए और मैं ऑर्डर कर दूं. सर जीरो बैलेंस आए उसके बाद ऑर्डर करो ना. भाई जीरो बैलेंस होगा उसके बाद ऑर्डर करूंगा, और ऑर्डर आने में 2 दिन लग गए तो 2 दिन प्रोडक्शन कैसे करूंगा. याद है वो लॉजिक, करेक्ट. आरओएल हमने निकाला था, तो आरओएल होता है व्हेन टू ऑर्डर, कितना बैलेंस आ जाए और मैं ऑर्डर कर दूं. और रीऑर्डर क्वांटिटी था कितना ऑर्डर करूं. When to order, how much to order. देखो वही है ना. Reorder stock level is when to order. Reorder quantity is how much to order. Clear? ये दो term बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए. Next. अब हम लोग सर डिटेल में इनको समझते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको फॉर्मूले से ज्यादा मतलब नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि आप समझते हो कि नहीं दोनों का मतलब क्या है. सो दिस लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है भाई. रीऑर्डर लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम मिनिमम and maximum in such a way that before material is ordered received in the store there is sufficient quantity on hand to cover both abnormal and normal consumptions. मैं इस तरह से order करूं कि order receive होने तक का जो period है उसमें कोई abnormal consumption भी हो जाए, मतलब ज़्यादा consumption भी हो जाए, या normal consumption भी हो जाए, दोनों ही मैं handle कर सकूं, इतना stock बना के चलना चाहिए या उस level पे ही order कर देना चाहिए. In other words, it is the level at which the fresh order should be placed for replenishment of stock. तो अगर आपका stock खत्म होने वाला है तो कितने quantity बचे हैं और मुझे order कर देना चाहिए, that level is called as reorder level. ये दो तरह के formula थे, वो यहाँ पे उतने relevant नहीं है. चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा मैटर नहीं करेगा. थ्योरी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ रीऑर्डर क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच परचेज रिक्विजिशन इज मेड. अभी परचेज रिक्विजिशन कौन करता है? सर स्टोर करता है. किसको करता है? परचेज डिपार्टमेंट को. अभी स्टोर को पता कैसे चलेगा कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ईओक्यू फॉर्मूला यूज करके उन्हें बताएगा कि अगर आप इतना ऑर्डर साइज रखते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका हैंडलिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, और उस केस में आपका मिनिमम कॉस्ट होगा टोटल, तो आप इतना ही ऑर्डर करो. तो स्टोर वाले ने मदद ली किसकी?
कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग वाले ने जो भी इसको क्वांटिटी बताई वही क्वांटिटी इसने परचेज वाले को बता दी. सो इट इज द सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच परचेज रिक्विजिशन इज मेड. वाइल सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ रीऑर्डर कंसिडरेशन इज गिवन टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक. ध्यान ये देना है उतना ऑर्डर किया जाए कि मिनिमम लेवल स्टॉक हमेशा मेरा बना रहे. रीऑर्डर लेवल को ध्यान में रखना है. मिनिमम डिलीवरी टाइम की भाई कम से कम कितने दिन लगेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट. वही तो हम ईओक्यू की मदद से निकालते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कॉस्ट कब मिनिमम आएगी. हेंस द क्वांटिटी शुड बी वेयर द टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम. क्लियर. फॉर दिस पर्पस हमने ईओक्यू भी पढ़ा था. तो क्या सर अब ईओक्यू को भी पूरा डिफाइन कर दूं? कोई जरूरत नहीं है. ईओक्यू को डिफाइन की जरूरत नहीं, ठीक है ना. तो जितना पूछा बस हमने उतना ही आंसर दिया. नाउ नेक्स्ट. How is slow moving and non-moving item of stores detected and what steps are necessary to reduce such stocks? बोल रहा है किस तरह से आप अपने स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम जो है स्टोर्स के उनको डिटेक्ट करते हो और उसके क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि हम इस तरह के स्टॉक को रिड्यूस कर सके. सर मतलब क्या है स्लो मूविंग नॉन मूविंग का? भाई आपने मटेरियल जल्दी जल्दी में बुलवा लिया परचेज वाले को फोन करके, लेकिन अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो क्या वो मटेरियल रखा रखा वेस्ट नहीं हो रहा आपका? आपने उसमें पैसे भी लगा दिए, आपने वेंडर को पेमेंट कर दिया, वो मटेरियल रखा हुआ है लेकिन उसका यूसेज कुछ नहीं. तो कंपनी का स्टोर तभी एफिशिएंट कहलाता है जब उनके यहाँ कम से कम स्लो मूविंग आइटम है. और नॉन मूविंग तो होना ही नहीं चाहिए. नॉन मूविंग मतलब ऑब्सोल्यूट हो गया, अब सर यूज ही नहीं होने वाला, तो फिर क्यों लिया था? वही तो बात है. जब हमने लिया था तब हमें नहीं पता था, लेकिन लेने के बाद हमको पता चला कि नॉन मूविंग है. बट ऐसी चीजें बार बार नहीं होनी चाहिए, रेयरली कभी हो जाती है तो इट्स ओके. पर इस स्लो मूविंग और नॉन मूविंग को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए वो बात चल रही. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक रेशियो एनालिसिस जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो आप क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन मूविंग आइटम एंड स्लो मूविंग आइटम्स कैन बी डन यूजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर प्रोवाइड यूजफुल गाइडेंस फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस. वही बोल रहे हैं ना, ये रेशियो कहाँ मदद करता है हमें? ये रेशियो मदद करता है ये निकालने में कि इन्वेंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, मतलब कितनी जल्दी यूज हो रही है. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट्स दैट मटेरियल इज अ फास्ट मूविंग वन. अगर टर्नओवर रेशियो हाई आता है मतलब फास्टली मूव हो रहा है मटेरियल, जल्दी जल्दी यूज हो रहा है. और लो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट, आपने फालतू में पैसा लगा दिया है और लॉकिंग अप, पैसा फंस गया है, यूज हो नहीं रही है वो चीज, यूज हो नहीं रही है. सो सर निकालेंगे कैसे? अब मैं क्या इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिखूंगा? यस, तभी तो आप बता पाओगे ना कि इस फॉर्मूले की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं. तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? 1/2 ओपनिंग क्लोजिंग और एवरेज नंबर ऑफ डेज. ये डेज ही तो डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा मटेरियल ए जो है, मटेरियल ए इतना होता है कि 30 दिन में एक बार हमारा खाली हो जाता है. मटेरियल बी जो हमारा होता है सर वो 60 डेज तक खाली हो पाता है. ये जो डेज आपने निकालने, कौन से मदद से निकालने? सर ये एवरेज नंबर ऑफ डेज की मदद से, इस फॉर्मूले से निकालें. तो यहाँ पर ये फास्ट मूविंग है, ये स्लो मूविंग है. अगर कंपैरेटिव देखोगे तो ए इज फास्टर देन बी, ठीक है. नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले उन्होंने आपको एक चीज और पूछी थी कि हमको क्या स्टेप लगाने चाहिए स्टॉक रिड्यूस करने से पहले. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कभी भी परचेज की रिक्विजिशन जाती है ना, उसके पहले प्रोडक्शन वाले से एक अप्रूवल होना चाहिए. देयर शुड बी एन अप्रूवल फ्रॉम प्रोडक्शन हेड वेदर दिस मटेरियल इज रिक्वायर्ड असेंशियली. क्या सच में इसकी जरूरत है? अगर जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी स्टॉकिंग करके मत बैठो, ठीक है. क्योंकि वो अप्रूवल होगा इसका मतलब वो यूज करने वाले हैं प्रोडक्शन वाले, और प्रोडक्शन को यूज नहीं होगा तो वो खुद मना कर देगा. तो हर ऑर्डर के पहले स्टोर वाले को कंफर्म कर लेना चाहिए प्रोडक्शन वाले से कि भाई आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल का यूसेज कम हो जाएगा, या क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो तो क्वांटिटी कंफर्म कर लो. पता चला आपके पास ऑर्डर आया था 1000 kg का, आपने 2000 kg मंगा दिया, अब 1000 रखा हुआ है, दूसरा कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा. ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट शॉर्ट नोट ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी. अब हम पढ़ने वाले मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल. जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. देखो ये चार पॉइंट है, ये एक एक नंबर का आ जाएगा इस तरह से, ठीक है. नाउ मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल ये हम लोग सीधे जाके पढ़ते हैं. तो पहले पढ़ते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल. सर मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या? कम से कम स्टॉक लेवल आप मेंटेन करके चलोगे. सर ये कैसे निकलता है? देखो मैंने रीऑर्डर लेवल जैसे ही पहुंचा मैंने ऑर्डर कर दिया. अभी ऑर्डर किया तो सपोज 3 दिन में ऑर्डर आएगा, उन 3 दिनों तक कंजम्पशन भी होगा, तो जो मेरा रीऑर्डर लेवल उससे भी कम होता जाएगा स्टॉक. जैसे ही नया ऑर्डर
पहुंचने वाला है उसके पहले का जो स्टॉक होगा वो मिनिमम लेवल पे होगा, वही को उसी को बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। सर निकाला कैसे जाएगा? पहले आप ले लो रीऑर्डर लेवल, उसमें से एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मतलब एवरेजली कितने दिन में मटेरियल आता है, एवरेजली कितना यूज होता है डेली, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रीऑर्डर लेवल कितना कम हुआ। तो सपोज मेरा ये ग्राफ बना था, इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं ग्राफ को, ये सपोज आपका ग्राफ बना था, ठीक है। अब इसमें यहां से आपका रीऑर्डर लेवल, सपोज यहां से ऐसे मटेरियल डाउन हो रहा था, ठीक है, और ये आपका रीऑर्डर लेवल था, इस बैलेंस में आके आपने ऑर्डर करना था, ये यहां आके, और जिस दिन आपने ऑर्डर कर दिया उसके बाद शायद 2-3 दिन में मटेरियल आता है, तो मटेरियल आया इस दिन, तो यहां से लेके यहां तक तो आपका स्टॉक डाउन होगा ना, यही जो स्टॉक पहुंच जाएगा ये सबसे नीचे वाला, यही हमारा क्या कहलाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये ठीक है, ये मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। वैसे भी ये चीजें आपने प्रैक्टिकल में करी हैं, तो इसको लिखना उतना टफ नहीं होगा। नाउ मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक। सर हाईएस्ट लेवल मतलब इतना मैक्सिमम स्टॉक होगा, कब होता है, जैसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल में पहुंचते हो उस दिन ऑर्डर आ जाता है, उस दिन ऑर्डर आता है तो उस पर एड हो जाता है, कितना एड होता है, जितना आपने ऑर्डर किया है वही मैक्सिमम लेवल होता है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंजम्पशन एवरेज ना हो, मिनिमम हो, डेली 10-10 kg यूज हुआ, जनरली 20 होता था लेकिन उन 3 दिनों में 10 हुआ, और 3 दिन की जगह 2 ही दिन में आ गया। यस सर, तो जो भी आपका रीऑर्डर लेवल चल रहा था उसमें से आपने माइनस किया मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आप उस मिनिमम स्टॉक में पहुंच गए जो कम से कम यूसेज में था, और उसके ऊपर एक नया ऑर्डर आ गया, तो ये आपका जो स्टॉक बढ़ गया वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझा था, बस आपको ये लिखते आना चाहिए। एनी क्वांटिटी बियॉन्ड दिस लेवल कॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ऑब्सोलेंस। बोल रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल अगर आपने तय कर दिया तो इससे ऊपर स्टॉक नहीं जाना चाहिए, वरना ही चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर स्टॉक जा रहा है मतलब आपने अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया है स्टॉक्स में जो कि पड़ा हुआ है, और फिर ज्यादा स्टॉक रख दोगे तो ऑब्सोलेंस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस मटेरियल कॉस्टिंग के थ्योरी वाले कंप्लीट हो गए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये अप्रोच अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको इस अप्रोच से समझ में आ रहा है, आप स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कीजिए, तो मैं फिर आगे भी इसके वीडियोस बनाऊंगा।